अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइप। फ्रेंड्स, मेरा नाम जमान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यूज्ड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें तो आप कौन से दो काम लाजमी करें। फ्रेंड्स, जब भी आप अपना कोई यूज्ड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, तो आपको ये दो काम लाजमी करने चाहिए। फ्रेंड्स, पहला काम, आप जब भी कोई यूज्ड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें तो आपको इसका डब्बा लाजमी लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल फ़ोन का डब्बा साथ ले लेते हैं तो उसमें आपको एक काम लाजमी चेक करना चाहिए कि आप जो है वो जो डब्बा ले रहे हैं वो इसी मोबाइल का है, यानी आप जो डब्बे पर IMEI नंबर लिखा हुआ है उसको मोबाइल के IMEI नंबर से मैच करें। क्या वो दोनों मैच करते हैं? अब आपने मोबाइल का जो IMEI नंबर निकालना है वो कैसे निकालना है? *#06# जैसी आप डायल करेंगे अपने मोबाइल से, जो आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसका IMEI नंबर निकल आएगा। आप उसको डब्बे पर लिखे हुए IMEI नंबर से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो है बैटरी कैसे चेक करनी है। आपने मोबाइल की बैटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई यूज्ड मोबाइल फ़ोन जब आप परचेज़ करने जाते हैं, क्योंकि जब आप परचेज़ करके आते हैं उसकी बैटरी बिल्कुल फारिग होती है तो आप जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि मैंने जो मोबाइल लिया उसकी बैटरी ख़राब है और वो किसी काम का नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि आपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को कैसे चेक करना है कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करने जाते हैं, कोई यूज्ड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हैं आपने सिंपल उसमें कैमरा ओपन करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन में कैमरा ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपने फ़ोटो वाला जो बटन है, फ़ोटो क्लिक नहीं करनी, आपने फ़ोटो वाला बटन जो है वो प्रेस करके रखना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे तो ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक हो जाएंगी। सिर्फ एक सेकेंड में वो 5-6 फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही थोड़ी देर दबा के रखना है, जैसे ही वो 15-20-25 फ़ोटो क्लिक कर ले तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने बैटरी जो है वो चेक करनी है, बैटरी का स्टेटस चेक करना है कि पहले कितने परसेंट थी और अब कितने परसेंट रह गई है। फ्रेंड्स, अगर बैटरी की जो परसेंटेज है वो 2 या 3% कम हो जाए तो समझ लें कि इसकी बैटरी टाइमिंग बिल्कुल ख़राब है। तो फ्रेंड्स, अगर मोबाइल की बैटरी 1% गिरती है तो इसका कोई मसला नहीं है। फ्रेंड्स, अगर 2 या 3% गिर जाती है तो आप समझ लें कि इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इसकी बैटरी टाइमिंग बिल्कुल ख़राब है, आपको ये मोबाइल फ़ोन परेशान करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।